आज हमें जाना है द्वारका तन्मय के अन्नप्रसन्न में, पर सुबह सुबह आ गया स्टॉक तो हम हो गए थोड़ा सा लेट। सारा स्टॉक लगाने के बाद बाहर हो रही है चिलचिलाती गर्मी और ये सामने खड़ी है मेरी बुलेट। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बुलेट से निकला जाए या गाड़ी से, पर इस चिलचिलाती धूप को देख के लगता नहीं है कि हम बुलेट से जा पाएंगे, तो बुलेट को करते हैं घर पर खड़ी और निकालते हैं अपनी गाड़ी। और खाल पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती, इसलिए मैं लेके आया हूँ वेज बिरयानी, इसको ठूसने के बाद निकला जाएगा यहाँ से। तो फाइनली रेडी होने के बाद हम निकल चुके हैं द्वारका की तरफ और यहाँ पर फ़ोन मैंने दे दिया अपनी लेडी पार्टनर को कि हम उसमें जा रहे हैं। तो जो हमारे ये हैं ड्राइवर साहब अब क्या करें, गाड़ी तो यही चलाएंगे ना, तो ड्राइवर भी यही हुए हमारे, तो इनके साथ हम जाने को तैयार हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हो आप कितनी अभी चिलचिलाती हुई गर्मी है यहाँ पे। और दिल्ली का हाल है, गर्मी तो है ही, बट दिल्ली मेरी जान, दिल्ली से अच्छी कोई जगह नहीं लगती हमें तो। क्या कहते हो तुम, है ना? गर्मी का टाइम है इसलिए हमने रास्ते में बांटने के लिए फ्रूटी और कुछ ड्रिंक्स रख ली अपने साथ। तो फाइनली लोकेशन के पास हम पहुंच चुके हैं और बहुत लेट भी हो चुके हैं। 11 बजे हमें पहुंचना था, टाइम हो चुका है 1, हम हो चुके हैं लेट। सभी बाबू को खाना खिला चुके हैं, अब आ रही है हमारी। हम आए हैं बहुत लेट, तो हमारा वेट करते करते बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, रोने भी लगा है। अब इसे कैसे चुप कराया जाए, ये तो पापा को नहीं पता इसे कैसे चुप कराया जाएगा। मम्मी की तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्लॉग नहीं बनाओगे क्या, और हम यहाँ पर फिर से व्लॉग बना रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारे सीता गीता ठेंगा दिखाते हुए, हमारी बाकी पूरी टीम जीजा साली की जुगलबंदी के साथ पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। जमाल कुड़ू के स्टेप पर डांस किया जा रहा है और जीजा काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर होती है चेयर्स और भाई साहब माल गया अंदर, वाह। लाल परी और काली परी के कारनामे स्टार्ट हो चुके हैं, इन दोनों ने कसम खाई हुई है ये किसी को अपने आगे नाचने नहीं देंगी। और भाई साहब ये देखो, देख रहे हो विनोद, अब विनोद तो देखेगा ही, विनोद के सालिया है। और यहाँ पर हमारा छोटा भीम, ये अलग ही मजे ले रिया, देख रहे हो छोटा डॉन। और यहाँ पर जिगर से बीड़ी जलाई जा रही है, भाई कतई जहर डांस किया था इन दोनों ने, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे लोग, ना किसी की बारी आने दे रहे थे। और इनका ऐसा डांस देखने के बाद जीजा जी ने जैसे भांग खा ली हो, जीजा जी पागल से हो गए थे। अरे मतलब भांग नहीं खाई, बियर पी ली थी। ये देखो जीजा जी की मौज आ गई, जी मजे आ रहे सारे के सारे, वाह वाह। और इस चीज़ का आनंद उठाते हुए यहाँ पर हमारे प्रकाश भाई भी इस डांस में प्रकाश डालते हुए, और यहाँ पर लाल परी काली परी ने फिर से खींच लिया प्रकाश भाई को। और प्रकाश भाई को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्योंकि ये दोनों तो मास्टर है डांस की, हमें समझ ना आ रहा कि करना क्या। भैया घूम लेते हैं ऐसे ही। तो लास्ट में बाबू के केक कटिंग के बाद पार्टी ओवर होती है, निकलते हैं हम घर को। तो भाई बहुत के बाद बहुत सारा फोटोशूट। ज़्यादा थक चुके हैं, हिम्मत नहीं है कि घर जाके कुछ भी काम किया जाएगा या मैं शॉप ओपन कर पाऊँ। तो बहुत सारी बियर और बहुत सारा डांस करने के बाद हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी गाड़ी चला के घर भी जाना है और हिम्मत नहीं थी कि हम घर जाके कुछ बना पाएँ, तो हमने किया रास्ते से ऑर्डर, ये हमारी छोटी सी पेप्सी, और यहाँ पर हमारी गार्लिक ब्रेड, और ये हमारा छोटू सा पिज़्ज़ा। पेट पहले से काफ़ी फुल है तो हम दो जनों के लिए इनफ है, क्योंकि खाल पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो इससे सारा ख़त्म करने के बाद मेरी दिमाग की बत्ती जल रही है और सामने मैडम की भी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग पर, बाय बाय।